नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। आंसू गैस के गोले भी यहां छोड़े गए हैं। पुलिस ने पानी की बौछारें फेंकी हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बड़ी संख्या में यहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पुलिस ने बैरिकेड्स यहां पर लगाए हुए हैं इनको रोकने के लिए, और साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी इन पर छोड़े गए हैं। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इन तीनों तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर इकट्ठा हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए, इन्हें रोकने के लिए। पानी की बौछारें इन पर फेंकी गई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, साथ ही टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया गया है। देखिए यहां पकड़कर इन्हें बस में जाते हुए। हम आवाज उठाने के आया, आंसू गैस लगाया, पानी चलाया, लाठी चलाया, जो करना चलो, गोली चलाओ, रुकेगा नहीं है, लड़ाई जारी रहेगा जब तक आप लोग ने ये लीगल ऐप आपने बनाया जुआ का ऐप, वो जब तक नहीं हटाएगा तब तक लड़ाई जारी रहेगा। तो अलग अलग कैमरा एंगल से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के हल्ला बोल कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हटेंगे नहीं। बी श्रीनिवास को आपने सुना। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार यहां पर शामिल है, और बड़ी संख्या में ये जमावड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए जीतू पटवारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। विरोध के दौरान यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वासु चौरे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वासु, लगातार हम दिखा रहे हैं तस्वीरें दर्शकों को यूथ कांग्रेस के हल्ला बोल की, अभी वहां पर क्या स्थिति है जरा बताएं। वासु, सुन पा रहे हैं आप हमें? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज अपना प्रेस एक बार दोहरा दीजिए। वासु, आप जहां हैं लोकेशन बताएं, वहां पर क्या स्थिति है, क्या देख पा रहे हैं जरा बताएं। बिल्कुल देख सकते हैं आप, कश्मीर में लगातार यूथ कांग्रेस का जो पूरा प्रदर्शन चल रहा था, आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े गए हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद यहां पे भीड़ को तितर बितर करने का जो काम है वो किया गया है। तस्वीरों में आप यहां पे देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पहुंचे थे यहां पे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर आंसू गैस के जो गोले हैं। वासु, आपकी आवाज नहीं क्लियर है बिल्कुल भी। जीतू पटवारी ने क्या कहा है जरा पहले वो दर्शकों को सुनवाते हैं, फिर वापस वासु को कनेक्ट करेंगे।
अगर इस सरकार ने 2 लाख नौकरियां और हर घर को रोजगार देने की बात कही और ऑनलाइन जुए के कारोबार को लीगलाइज कर दिया, क्या अभिभावकों ने इस नाम के वोट दिए थे कि जुआ खिलवाओ हमारे बच्चों को? तो ये जुए सट्टे की सरकार का विरोध है। मध्य प्रदेश का युवा हर स्तर पे करेगा, हर बार करेगा, और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो घोषणा पत्र आपने रामायण और गीता जैसा बताया उसमें इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग से जुए सट्टे में बच्चों को ऑनलाइन सोशल मीडिया पे व्यस्त करने की बात करी। हाँ, कांग्रेस के नेता है ना, कर लेंगे बातचीत। जीतू पटवारी को आपने सुना, यहां पर घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए गए थे लेकिन सरकार बनने के बाद भी वादे पूरे नहीं हुए हैं, ये आरोप कांग्रेस का है। और जब तक आप जो मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक वादे पूरे नहीं होंगे, इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौके से लाइव। वासु, जरा बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरों में यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं जो यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, बड़ी संख्या में यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन पर जमकर जो वाटर कैनन है वो यहाँ पर चलाया गया और वाटर कैनन के बाद जो आंसू गैस के गोले हैं वो भी यहाँ पे छोड़े गए। भीड़ को तितर बितर करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की। किन मांगों को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? रोजगार को लेकर हमने मांगों को प्रोटेस्ट किया था, लेकिन यादव सरकार जो है वो हमसे डरी है, उन्होंने पुलिस को आगे करा, पुलिस बल का प्रयोग करा, आंसू गैस के गोले, और हमारे बहुत से साथियों को इन्होंने क्षतिग्रस्त करा। राष्ट्रीय चलाए, बहुत सारे लोगों को चोटें आई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, सभी लोगों को चोटें आई है। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको थितर बितर करने की यहाँ पे कोशिश की गई। और चूंकि लगातार ये पुलिस की ओर से समझाइश दी जा रही थी कि परमिशन जितनी है, अनुमति जहां तक जाने की, उससे आगे आप लोग मत बढ़िए, उससे आगे मत आप लोग जाइए, लेकिन उसके बावजूद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा की ओर कूच करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, उनको रोकने की कोशिश जो है वो लगातार यहां पर की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी भी जो पुलिस बल है, जो पुलिस फोर्स है वो यहां पर तैनात किया गया है। और आप यहां पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, कांग्रेस के कई जो कार्यकर्ता हैं। पुलिस की ताला चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, हम सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं, हमें रोजगार चाहिए। ये ऐसा मारा हमारे, शिक्षा हासिल करी है वो हमारी कहा जाएगी? पकड़े करे ऑनलाइन जुआ खेले, एक अनूठा विरोध यहाँ पे, ये पटाखों की माला क्यों सर? देखिए, एक अवैध फैक्ट्री किसके संरक्षण में हरदा में संचालित की जा रही थी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी। अभी तक दोषियों के ऊपर बुलडोजर की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? हम मांग करते हैं कि दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए और जिन अधिकारियों के संरक्षण में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी उन पे भी कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि कि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। हम यहाँ पे सवाल पूछना चाहते थे विधानसभा में सरकार से कि जो आपने वादा किया था 3,000 रुपए लाडली बहना को देने का, वो 3,000 रुपए कब देने वाले? जो आपने 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने का वादा किया था वो कब देने वाले? समर्थन मूल्य में किसानों की खरीदी कब की जाएगी? परंतु सरकार ने यहाँ पे कठपुतली की तरह पुलिस का उपयोग करके हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए, लाठी चार्ज का उपयोग किया, वाटर कैनन का उपयोग किया। आप देख सकते हैं कि भाजपा सरकार पूरे देश भर में युवाओं किसानों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार कर रही, ये आंदोलन यहाँ रुकने वाला नहीं है, पूरे देश में भाजपा के खिलाफ उभरता दिखेगा। आप ये देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनमें आक्रोश, और जो तस्वीरें हमने दिखाई उसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष हुआ है उसमें कांग्रेस के कई जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे घायल भी हुए हैं। और अब लगभग इस प्रोटेस्ट को पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है, प्रोटेस्ट जो है वो ये कह सकते हैं कि खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं कहीं पर लगातार एकजुट होने का बार बार जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे कि भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर लगातार तैनात किया गया है। पुलिस बल, कई कांग्रेस के जो नेता हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। जीतू पटवारी को हमने देखा जब उनको पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था, हालांकि थोड़ी दूर पर पुलिस ने उनको छोड़ दिया ताकि जो मॉब है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सके, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे जो नेता हैं कांग्रेस के उनको गिरफ्तार यहां पर पुलिस के द्वारा किया गया है। और अभी भी बड़ी संख्या में यहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पुलिस की जो टीमें हैं वो यहां पे तैनात की गई हैं और वाटर कैनन का उपयोग करके यहां से भीड़ को तितर बितर करने का काम किया गया है। पुलिस के हाथ में आपको लाठियां और तमाम जो इक्विपमेंट्स है वो आपको यहां पे
नजर आएंगे और आंसू गैस के गोले भी, करीब आधा दर्जन आंसू गैस के गोले जो हैं वो यहां पे छोड़े गए, चलाए गए, ताकि भीड़ जो है वो जल्द ही तितर बितर हो जाए और कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए भी जो पुलिस वैन है वो यहाँ पे बड़ी संख्या में लगाई गई थी। वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो भी यहां पर किया गया। तो कांग्रेस का ये प्रदर्शन और विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस के ये पहले बड़े प्रदर्शन की कोशिश थी। विधानसभा का जो सेशन चल रहा है उसी दौरान घेराव करने की कोशिश की थी और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आज जो विधानसभा में मुद्दा उठा है उसके मुद्दे पर भी आज कांग्रेस ने यहां पर जमकर हल्ला बोला है, जमकर नारेबाजी की है। और इस सबके बीच कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी एक जो सोच है, एक जो मैसेज है वो देने का कार्यकर्ताओं को कोशिश की है कि हम लोग लगातार इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे, सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस भली बात ये जानती है कि जनता की बात, जनता के मुद्दे उठाने जरूरी हैं। लोकसभा के चुनाव अब नजदीक हैं और इस तरीके के धरने प्रदर्शनों का, आंदोलन का जो दौर है वो लगातार अब भोपाल की सड़कों पर और प्रदेश के अलग अलग शहरों में दिखाई देता रहेगा। जी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं भोपाल में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की और वासु चौरे यहां पर मौके पर क्या हालात बने हुए हैं उसकी लगातार जानकारी दे रहे थे। किस तरीके से गिरफ्तारी पहले हुई जीतू पटवारी की, बाद में छोड़ दिया गया आगे ले जाकर, और यहां सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ यहां इकट्ठा हुए हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये कहना है बड़े नेताओं का। तो यानी कि वासु ये माना जाए कि 24 के चुनाव से पहले ये जो गहमा गहमी अब देखने को मिल रही है और सक्रियता देखने को मिल रही है विपक्ष की, वो आने वाले दिनों में और तेज हो जाएगी। अब बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस जो है वो अपना पूरा दमखम झोंकती हुई, कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि मध्यप्रदेश में जनता के बीच पहुंचा जाए, जनता के बीच जाया जाए और तमाम सारे जो मुद्दे उन्हें उठाया जाए। आज का प्रदर्शन, लोकसभा चुनाव की तैयारी, लोकसभा का शंखनाद अमित, देखिए 1.5 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। आज शांतिपूर्ण तरीके से मोहन यादव की सरकार से मध्य प्रदेश का नौजवान युवक कांग्रेस के नेतृत्व में अपना अधिकार मांगने गया था। हम पूछना चाहते हैं किस कारण बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, नौजवान इससे डरने वाले नहीं। अपडेट लेंगे, फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।